आज के इस सेगमेंट में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट वेक्टर अलजेब्रा, इसके नेक्स्ट टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के सेगमेंट में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें भी हमने आपको बताया था कि तीन सदिशों का जो गुणन होता है, यानी जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, वो भी दो प्रकार से डिफाइन होता है। एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पहले के सेगमेंट में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े थे, और मैंने आपको एक जल्दी से मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसमें हम लोग इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने किया था ए डॉट बी क्रॉस सी। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा इन तीनों वेक्टर का, वो कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी आज के सेगमेंट में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेगमेंट काफी छोटा होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ेंगे। जो सेगमेंट है अब ये तो हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें अभी एक टॉपिक बच रहा है, ये कोऑर्डिनेट रोटेशन रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन वाला पार्ट। तो इसी पार्ट को अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आज ये छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो है वो है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इससे पहले हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी वहां पे डिस्कस किए थे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, और ना ही इसका कोई खास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकलता है। द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बस सिंपली इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो देखिए, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर है सी। इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो वेक्टर आएगा, सदिश। अब उस वेक्टर का अनदर वेक्टर एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी वेक्टर ही आएगा। यानी अगर तीन सदिशों का इस प्रकार से गुणा किया जाए तो जो परिणाम आएगा वो भी वेक्टर होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ज्योमेट्रिकली इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है जितना ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस था। और हमने बताया भी था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो तीन सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वो एक पैरेललोपाइप्ड का आयतन दर्शाता है। यहां पे ज्योमेट्रिकली जो वेक्टर प्रोडक्ट तीन वेक्टर का ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, वो रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। इसका मतलब ये जो फाइनल ए क्रॉस बी क्रॉस सी आएगा वो एक ऐसे सदिश को रिप्रेजेंट करेगा जो बी और सी के प्लेन में लाई करेगा, और वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यही इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है। इसी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, अब देखिए, इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने बताया था, जैसे अगर यही तीन सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता तो वो होता ए डॉट, यहां पे होता बी क्रॉस सी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन होता है। बी क्रॉस सी निकालेंगे तो वेक्टर आएगा, फिर इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो फाइनली स्केलर आ जाएगा। तो ये जो इस प्रकार से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका हम लोग बनाते हैं डिटर्मिनेंट, और ये पहले रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट, दूसरे रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट और तीसरे रो में सी वेक्टर के कंपोनेंट निकाल के हम लोग इस डिटर्मिनेंट यानी सारणी को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा कोई मेथड नहीं लगाना है आपको। या तो आप पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए डिटर्मिनेंट बना के। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और ये के कैप हो जाएगा। फिर दूसरे रो में आप बी का कंपोनेंट लिखेंगे और तीसरे रो में सी का कंपोनेंट लिखेंगे। फिर जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो आपका बी क्रॉस सी आ जाएगा। फिर जो फाइनल आएगा उसका आप इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ निकालिए। एक तरीका ये है, इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं बन पाएगा, एक डिटर्मिनेंट नहीं, इसमें आपको दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इनका, फिर मान लीजिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे डी आया तो फिर ए क्रॉस डी का फाइनली आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो एक और दूसरा एक इसका फॉर्मूला है जो कि आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी वेक्टर का, तीन वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको इस फॉर्मूले से भी हम लोग डिनोट करते हैं। इसे मैं ए सी बी ए बी सी रूल कहता हूं। जैसे देखिए यहां पे क्या है, ए
क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहां पे पहले ए डॉट सी फिर ये बी। यहां पे ध्यान दीजिएगा ये बीच में ना तो डॉट रहेगा ना क्रॉस, क्यों? क्योंकि ए डॉट सी निकालेंगे तो ये स्केलर कोई ना कोई नंबर आएगा, फिर उस नंबर का गुणा इस बी में हो जाएगा तो फाइनली ये वेक्टर रहेगा। उसी प्रकार ए डॉट बी निकालेंगे तो कोई ना कोई स्केलर कोई नंबर आएगा, फिर उसका गुणा सी में हो जाएगा तो वो फाइनली वेक्टर हो जाएगा, फिर एक वेक्टर इतने वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाएंगे तो फाइनल आंसर भी वेक्टर आएगा। इस फॉर्मूले को मैं नाम देता हूं ए सी बी ए बी सी रूल। याद रखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है तो ए सी बी माइनस ए बी सी, इसको याद रखिएगा ए सी बी माइनस ए बी सी। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे ये देखिए पिछली बार ये एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था सो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोग अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहा ए सी बी ए बी सी रूल तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो इसके लिए या तो फिर सॉल्व करने के लिए आपको ये इसका अलग कंपोनेंट इसका अलग कंपोनेंट मान के पूरा बहुत लेंदी मेथड डिटरमिनेंट से सॉल्व कर करके आपको बहुत ही लेंदी वो पड़ जाएगा। जबकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है ए सी बी ए बी सी रूल तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें वही फॉर्मूला लगाइए, तो इसमें तो सेम ए बी सी, तो यहां से देखिए ए सी बी माइनस ए बी सी ये रूल लग गया। अब आ जाइए इस वाले में, यहां पे देखिए दूसरे वाले पार्ट में, अब इसमें ए के जगह बी वेक्टर है, बी के जगह सी वेक्टर है और सी के जगह ए वेक्टर है, तो लगाइए ए सी बी, तो ए फिर यहां पे सी के जगह ए है तो ये बी डॉट ए और बी के जगह सी है। इसी प्रकार ए बी सी, ए बी सी मतलब उसी क्रम में, तो बी डॉट सी क्रॉस सो इंटू ए, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार ए सी बी ए बी सी रूल इसमें भी लगा दीजिए। जब आप फाइनली ये रूल लगा देंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करिए, जैसे देखिए ये वाला टर्म जैसा है वैसी रहने दीजिए, ये टर्म भी जैसा है वैसी रहने दीजिए। इसमें देखिए बी डॉट ए है तो आप इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये लिख के मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। इस टर्म को भी वैसी रहने दीजिए, इसको भी चेंज कर दीजिए बी डॉट सी कर दीजिए, तो ये मैंने चेंज करके यहां लिख दिया, और इसको भी ए डॉट सी कर दीजिए। जैसे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, आप इनका क्रम चेंज करेंगे बी डॉट ए लिखिए चाहे ए डॉट बी आंसर सेम आएगा। ऐसे में आप पाएंगे कि ये वाला टर्म देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए सेम है, इसी प्रकार ये वाला टर्म देखिए और ये वाला टर्म सेम है प्लस माइनस के साथ, इसी प्रकार ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है और सभी टर्म कट जाएंगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा जीरो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसमें कोई खास चीज नहीं है, बस आपको ये याद रखिए ए सी बी और ए बी सी रूल याद रखिए, ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें से हो जाएंगे। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बस इतना ही, अगर आपको ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस या कुछ अगर अच्छे से तैयार करना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार करिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो और ढेर सारे जो न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही ये यूनिट खत्म हो जाता है तो पूरे यूनिट का एक साथ जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेगमेंट लाऊंगा उसमें इसके क्वेश्चंस ढेर सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल थ्योरी के सेगमेंट में बस इतने ही, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोऑर्डिनेट रोटेशन इन्वर्जन और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।